बांग्लादेश के हिंदू के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन भारत की सरकार बजाय इसके कि बांग्लादेश की सरकार से बात करे, भारत की सरकार बात करती है जाके अमेरिका से, जो कि साथ बांग्लादेश है, और बात करती है जाके अमेरिका से। मतलब असल कहानी है क्या? मैं कह रहा था मतलब कि मान लीजिए भारत के बाप बाप ही होते। एक बार सोच कर दे, क्या जो बाइडन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है, नहीं है? क्या बांग्लादेश यूएसए का कोई दूर का कोई पार्ट है? वो भी नहीं। मगर जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी है, मोदी जी ने भी कुछ ना कहकर बहुत कुछ कह दिया है कि बाइडेन साहब बांग्लादेश में जो होना था हो गया। अब एटलीस्ट हम आपसे ये तो एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है, इनकी जो सेफ्टी है, इसको ध्यान में रखकर हमें स्टेप्स लेने चाहिए। आप तो वही आ गई कि हमें स्टेप लेने चाहिए, या आपसे तो वही बात आ गई कि भाई वो यही है अमेरिका। अमेरिका सबको पता, वही ना, यही तो चीज खत्म करनी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टू एक्स। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल फिट फॉर द दोस्तों, शानदार दिन गुजार रहे हो। आज हम आपके साथ लेके आए हैं, आज का हमारा वीडियो है जो सेफ्टी है हिंदूज की बांग्लादेश में, उस हवाले से। पीएम मोदी ने ये बात बोली है कि बांग्लादेश में हिंदूज की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जाए। पीएम मोदी ने डायरेक्ट मैसेज बाइडेन को दिया। अच्छा, सेफ्टी बांग्लादेश में करनी चाहिए और मैसेज पीएम मोदी दे रहे हैं, दे अमेरिका बाइडेन को रहे हैं। देखेंगे आपके साथ मिलकर ओरिजिनल वीडियो करेंगे। प्रशांत धवन का डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो क्रम करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल स्टडी आईक्यू, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आपको याद होगा, यूक्रेन की विजिट से प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटे भारत में। उसके बाद देखिए, मोदी जी ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स किए हैं दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों को। एक फोन कॉल गया यूएसए में और दूसरा गया रशिया में। नाउ पहले हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन से क्या बातचीत करी है यूक्रेन को लेकर, बांग्लादेश को लेकर। फिर हम बात करेंगे कि मोदी जी क्या वापस रशिया में जाने वाले हैं, फिर से हो हल्ला होगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और पहली बात तो यहाँ पे आप एक बार नोट करना, जो ये सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, आप नोट करना जो मेन हेडलाइन है यहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और जो बाइडेन, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आपस में फोन पे बात करी, और मोदी जी ने देखो इनको ये बताया कि यूक्रेन की जो विजिट थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंडिया बिल्कुल चाहता है कि पीस हो जाए दोनों कंट्रीज के बीच में। उसी लाइन में मोदी जी ने ये भी ऐड किया कि मैं चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की कंडीशन है, जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही है, आप प्लीज़ इन पे गौर करें। ये स्टेटमेंट इतनी ज़रा स्पेशल है। अब आप कहोगे इसमें स्पेशल क्या बात है, ठीक है उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं सिक्योरिटी जो है उसकी आपको ध्यान रखना होगा। एक बार सोच कर देखो, क्या जो बाइडन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, नहीं है? ये तो बात है। क्या बांग्लादेश यूएसए का कोई दूर का कोई पार्ट है? वो भी नहीं है। मगर जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी है, मोदी जी ने भी कुछ ना कहकर बहुत कुछ कह दिया है कि बाइडन साहब बांग्लादेश में जो होना था हो गया है। अब एटलीस्ट हम आपसे ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है, इनकी जो सेफ्टी है, इसको ध्यान में रखकर हमें स्टेप्स लेने चाहिए। और मैं चाहता हूँ आपको पीएम मोदी की जो ट्वीट है, जी हाँ, पीएम मोदी ने इस फोन कॉल के बाद एक ट्वीट करी है, ये ट्वीट है, यही तो मैं बात तो वही आ गई कि हमें स्टेप लेने चाहिए, या आप सिक्योरिटी की वही बात आ गई कि भाई वो यही है अमेरिका। अमेरिका सबको पता है, वही ना, तो यही तो चीज खत्म करनी है। जो सेफ्टी है इसको ध्यान में रखकर हमें स्टेप्स लेने चाहिए। और मैं चाहता हूँ आपको पीएम मोदी की जो ट्वीट है, जी हाँ, पीएम मोदी ने इस फोन कॉल के बाद एक ट्वीट करी है, ये ट्वीट है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ इधर आप देखोगे, इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन से मैंने फोन में बात करी और हमने यहाँ पर ग्लोबल इशूज डिस्कस किए, इंक्लूडिंग द सिचुएशन इन यूक्रेन। देखो, यूएसए में ना जो इनके ऑफिशियल्स हैं, सरकारी ऑफिशियल्स, इनकी एक स्टेटमेंट है, वी आर वेरी हैप्पी। मोदी जी जिस तरीके से कीव में गए, ज़ेलेंस्की से गले मिले, जो इमेजेस सामने आई है, जो मैसेज सामने आया है, वी आर डिलाइटेड, हैप्पी भी नहीं, बिल्कुल खुश कर दिया, बहुत ज़रा अच्छा लगा देखकर कि मोदी जी यूक्रेन में गए। ना मोदी जी ने इसी विजिट के बारे में यहाँ पर कहा है कि फ्यूचर में भी हमसे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो रीजन है ये पीस और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ पाए। और उसके नीचे आप देखोगे डायरेक्टली ये लिखा है, वी ऑल्सो डिस्कस द सिचुएशन इन बांग्लादेश एंड स्ट्रेस्ड ऑन द नीड फॉर अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। देखो प्रॉब्लम ये है, अभी ना बांग्लादेश में इलेक्शंस कब होंगे पता नहीं। पहले जब मोहम्मद यूनस आए थे लग रहा था कि इलेक्शंस बस फटाफट हो जाएंगे, अब वो कह रहे हैं थोड़ा सा भी टाइम लगेगा इलेक्शंस में, कितना टाइम लगेगा पता नहीं। तो इंडिया भी धीरे धीरे यही कहेगा कि हमें नीड ये है कि जो रिस्टोरेशन है नॉर्मेलिटी की तरफ, ये जल्द होनी चाहिए, और साथ ही साथ वी मस्ट एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज एस्पेशली द हिंदूज इन बांग्लादेश। और मैं पहली बार देख रहा था मोदी जी के ट्वीट के नीचे कई लोग ओपनली ये रिप्लाई कर रहे थे
कि ये बात खुल के कहना कि डिस्कसिंग द कंडीशन ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इंप्लाइज वाशिंगटन यूनिलैटरली पुल्स लीवर्स। कई लोग अब खुल के कह रहे हैं कि सिंस बांग्लादेश की जो सिचुएशन है पीएम मोदी डायरेक्टली जो बाइडेन से डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि यूएस सब कुछ कंट्रोल कर रहा है इन बांग्लादेश? और सबसे फनी बात आपको बताऊं, सबसे अजीब बात, देखो मोदी जी ने बाइडेन से बात करी, उसका एक रीड आउट के पूरी बातचीत मिनट टू मिनट डिटेल्स ये रिलीज करता है भारत, भारत सरकार रिलीज करती है, फिर यूएस गवर्नमेंट अपनी तरह से भी रिलीज करती है कि हाँ जी अपने देश के नागरिकों को बताने के लिए कि जो बाइडेन ने बात करी है पीएम मोदी से। अजीब बात देखो, जब यूएसए ने रीड आउट रिलीज किया ना, इन्होंने बांग्लादेश का मेंशन तक नहीं किया, पूरा मेंशन गायब था। कितनी ज़रा अजीब बात है कि हमारे देश के पीएम जब बात करते हैं बाइडेन से, खुल के कहते हैं कि हाँ मैंने बांग्लादेश का इशू रेस किया है विद जो बाइडेन, और जो हिंदूज की सेफ्टी का इशू है ये रेस किया है, यूएस कहता है कि अभी देखिए पता नहीं, स्पेशल बात नहीं हुई। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। क्लियरली यूएस को या तो ये लोग कुछ छुपा रहे हैं दुनिया से, या फिर ये चाहते हैं कि जो रियलिटी है, सच्चाई है, ये दुनिया के सामने आए ना। तो अगर आप डिटेल में देखोगे ना, मोदी जी की जो बातचीत थी विद बाइडेन बहुत अजीब थी। मैंने बहुत रेयरली देखा है कि कोई कुछ कह रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो, वेरी स्ट्रेंज। खैर, यूएस से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रशिया की। बाइडेन से बात हो गई, फिर मोदी जी ने बात करी व्लादिमीर पुतिन से, उनसे भी इन्होंने यूक्रेन का इशू डिस्कस किया। इन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो पर्सपेक्टिव है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, जो इनकी इनसाइट थी यूक्रेन विजिट को लेकर, इन्होंने यहाँ पर शेयर की है। याद रखिएगा, इंडिया ने भीष्म क्यूब, जो हॉस्पिटल क्यूब्स हैं, ये गिफ्ट किए हैं यूक्रेन को। रशिया ये सब देख रहा होगा क्योंकि यूक्रेन की मिलिट्री लिटरली रशिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। कुछ एरिया रशिया का वो कब्जा भी चुकी है। तो रशियन गवर्नमेंट आप कह लीजिए अभी के लिए बहुत मैच्योरिटी दिखा रही है इंडिया के गिफ्ट पे कॉमेंट ना करके। उल्टा आप अगर देखो तो रशिया की साइड से ये स्टेटमेंट आई कि जो बातचीत हुई है ना मोदी जी और पुतिन के बीच में, उसके बाद हमको यही पता लगा है कि जो ब्रिक्स का समिट होगा अक्टूबर 2024 में, जी हाँ अभी जो ब्रिक्स ग्रुप है उसका एक समिट भी होगा 2024 का। नाउ इस बात को लेकर सस्पेंस था कि क्या पीएम मोदी कजान में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली जब पीएम मोदी रशिया में गए थे उनकी विजिट को लेकर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई, यूएसए की स्टेटमेंट्स आ गई, कई कंट्रीज ने कहा कि देखिए नहीं जाना चाहिए था। क्या मोदी जी फिर से रशिया में जाएंगे? लग रहा है कि जाएंगे। ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए पीएम मोदी शी जिनपिंग, मोस्ट प्रॉब्ली शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों के साथ खड़े होंगे मंच पे, और ऑब्वियसली यूएस उस वक्त भी प्रतिक्रिया देगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोस्ट प्रॉब्ली दूसरी बार एक साल में दो बार रशिया विजिट करने वाले हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, एक क्लियर मैसेज है यूएसए को कि कहीं से भी आप कंट्रोल नहीं करोगे कि हम क्या करने वाले हैं। जो हम यूक्रेन में गए हैं वो इंडिया अपनी तरफ से अपना एक आप कह लीजिए जो ड्यूटी है हमारी वो निभा रहा है। एक कंट्री है जहाँ पे काफ़ी सिविलियंस की डेथ हुई है, हमने वहाँ पे कंडोलेंसेस दी उनको, हेल्प करने के लिए कुछ जो हॉस्पिटल मिनी क्यूब हैं ये हमने उनको दिए हैं। बाकी ये अज्यूम मत कर लेना कि ये कोई प्रायश्चित हम कर रहे थे या फिर कुछ हमने यहाँ पर कुछ गलती ठीक करी और आगे से हम रशिया नहीं जाएंगे। कुछ ही महीनों में पॉसिबिलिटी है कि आपको पीएम मोदी फिर से रशिया में देखें, और इस बार का जो ब्रिक्स समिट होगा मैं आपको बता दूं ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि लग रहा है कि जो R5 करेंसी है उसको लेकर रशिया उतावला है, वो वेट नहीं करना चाहते। 2026-2027 रशिया वेट नहीं कर सकता। बताया जा रहा है कि इंडिया पे एक एक्सपेक्टेशन आएगी कि इंडिया जो ये नेशनल करेंसीज को मर्ज करके जो एक सिंगल करेंसी ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात चल रही है इस प्रपोजल को कंसिडर करे, मान भी जाए। एक शर्त होगी इंडिया की, ये नॉन बाइंडिंग होना चाहिए, कि मतलब कल को यहाँ से निकलने का दरवाज़ा ये होना चाहिए। कुछ पता नहीं होता, देखिए अगेन हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, हम लोग बैलेंस करके चलते हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं चाहेंगे जहाँ पे हम फंस जाए लंबे समय तक। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट के लिए इंडिया पुश करेगा। तो ब्रिक्स समिट इस बार का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई रियली कांट वेट, रियली मैं बहुत लंबे समय बाद ये ओपनली कहूँगा, अक्टूबर के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। इस बार के ब्रिक्स समिट में वो डेवलपमेंट्स देखने को मिलेगी जिसका वेट कई सालों से किया जा रहा था। तो ऑब्वियसली उस वक्त मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। मामला ये है जो हमने स्टार्ट में भी कहा था कि बात हो रही है बांग्लादेश के हिंदूज की, बात कर रहे हैं इंडिया के पीएम, बात हो रही है अमेरिका के प्रेसिडेंट से, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। अब जो इंडिया रिलीज करता है अपनी प्रेस, अचार दे विच गाजरा भी पाती है इंडिया, जी प्रेस इंडिया जो प्रेस रिलीज़ करता है उसमें बांग्लादेश का जो भी बातचीत हुई है वो होती है, लेकिन जो अमेरिका रिलीज़ करता है अपनी प्रेस अपनी अपनी अपना एडिशन जो रिलीज़ करता है उसमें बांग्लादेश का वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब उसकी बातचीत ही नहीं है। इंडिया का बात करना इस बात का मतलब है कि हम लोग समझ सकते हैं
कि या तो इंडिया ने वैसी चबल मारी है, या तो ये बात सच है कि उनको हकीकत का पता है। उनकी सरकार को, भारत को जाके बांग्लादेश से, बांग्लादेश के बारे में जो बाइडन से बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि ये बगल में बांग्लादेश है उनके, खब्बी साइड पे, उनसे करें, हाँ उनसे करें, ये सजी साइड कर लो जो साइड पे, वो वहां जाके करते हैं, जिसका मतलब कि इनको भी पता है। और है ऐसा ही वैसे, लेकिन बात असल में हो रही है अमेरिका मानता है कि नहीं मानता, असल पॉइंट ये है। शायद जब अमेरिका अपना एडिशन रिलीज करता है, प्रेशर डालेगा बांग्लादेश पे, शायद वो इसलिए कर रहे थे बात कि वो अमेरिका का प्रेशर प्रेशर है ना भाई। हाँ। इंडिया का प्रेशर प्रेशर नहीं ना इतना। हाँ। या ऑल कंट्री है अमेरिका, जब जो जो तो उसके पंजे इतने हैं तो तभी प्रेशर है ना, प्रेशर ऐसे तो नहीं आता ना जब डिपेंडेंसी होती है। बॉस मान रहे हैं ना, इंडिया भी बॉस मानता है। हाँ। वैसे तो इंडिया मतलब कह रहा है कि भाई हम डिपेंड हो रहे हैं खुद पे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मुंह पे जवाब देते हैं एस जयशंकर अंदर से जय श्री राम एस जयशंकर। लेकिन ये कि भाई यहाँ पे पता नहीं अब क्या हुआ है कि भाई बांग्लादेश सिर्फ एक छोटे से कंट्री के, जिस इंडिया ने को काफी इतना ज्यादा सपोर्ट किया ना बांग्लादेश को, पहले भी अब भी करते हैं, शेख हसीना भी वहां भी है। हाँ, शेख हसीना भी वहां पे आई पहले, तो मेरे ख्याल से अगर डायरेक्ट बात करते तो शायद यार डायरेक्ट अच्छा में बात यार बात ये ना सारी डायरेक्ट करते क्या करते, उनको पता है कि अमेरिका का कितना इन्फ्लुएंस है। ये बात तो ये बात बात ये कि एक चीज को छुपाने वाली बात है कि इंडिया तो नहीं छुपा रहा है, अगर इंडिया छुपा रहा था तो अमेरिका के साथ जाके क्यों बात करता है, नहीं किसी की साइड नहीं ले रहा, अभी तो ओपन बात की, प्रेस वो कर लेंगे उनसे बात नहीं हुई है, तो यही तो बात है। असल गेम क्या कि अमेरिका नहीं मान रहा, ये असल गेम है। मेरी बात सुनना, हाँ तुझे एक चीज से प्रॉब्लम है तो उसके पास खुद जा, तू अगले बंदे को क्यों भेज रहा है यार। ये आम जिंदगी में चलता है लेकिन डिप्लोमेसी है, जियोपॉलिटिक्स में ये नहीं होता। वो कैसे उनकी माने जाते हैं, हमने बात नहीं की यार, उधर पावर चलती है, ताकत, उधर ये रिश्तेदारियां और बहन भाई वाला भाईचारा नहीं चलता। जो वो कहते हैं हमारे हमारे से ये बात नहीं हुई है, ये नहीं कहा उन्होंने बात नहीं हुई, उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया, नाम नाम उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उनसे किसी ने पूछा है तो उन्होंने ये बात बोली है कि अब बताओ बांग्लादेश के बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं हुई, उन्होंने इसके बारे में वो पार्टी काट दी अपने एडिशन में। एक रिलीज भारत ने किया, एक रिलीज अमेरिका ने किया अपने लोगों के लिए, इन्होंने अपने लोगों के लिए, अमेरिका ने अपने एडिशन में बगैर उनके सवाल किए वो पार्ट काट दिया और उनको कहा ये हमारी बातचीत हुई है, किसी ने कोई सवाल उस पे मतलब इस तरह किया नहीं लोग, लेकिन इसका मतलब लोगों को पता चला कि वो ये तो वही बात है ना, जिस तरह हम कश्मीर की बात करते हैं कि ये इस तरह है ये उस तरह है और हम हर बंदे के आगे जाकर रोते हैं, ये बात सही है ये गलत है, तो ये लोग अब हमारी उस बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो कहते हैं कि ठीक है भाई पांडे में बढ़ो जो मर्जी करो। तो भारत ने कब बार बार हिंदुओं की बात बेशक नहीं की। हाँ। लेकिन बात यह है अगले बंदे रिस्पांस नहीं उसका दिया, अब ये भी गए हैं इन्होंने जाके बात की है, उन्होंने अपने मतलब की बात ऊपर लिख दी है अपने लोगों के लिए कि ये हमारी बात हुई है, लेकिन जो एक्चुअल बात है जिसको वो इग्नोर कर रहे हैं जिसकी वजह से। यार उन्होंने सारा मामला बांग्लादेश का नहीं किया, उन्होंने यूक्रेन वाली भी बात किया होगा, मैं ये उन्होंने पूरे कैश किया उसको, लेकिन हमारी तरह नहीं सिर्फ जाके कश्मीर भाई जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने ये बात की यूक्रेन की भी बात है कि पीएम मोदी साहब ने ये डायरेक्टली बात की क्योंकि हिंदुओं के सेफ्टी के लिए। यार वो इस बात को जानते हैं ना कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहां पे है बांग्लादेश में, इस वजह से नहीं, पहले ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि पीएम मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए सेफ्टी या फिर इस जगह की सेफ्टी या इससे, ये पहली बार मैं सुन रहा हूं। इस तरह डायरेक्ट नहीं है, लेकिन उनका अंदर से जो है ना भारत का जो सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ भी, वो उनका है, ये वो तो है ना, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हम कैसे मतलब कि किस तरह इस चीज़ को हम यकीनी बनाएं कि उनके ऊपर जुल्म ना हो, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुक बनिस्बत पाकिस्तान के उनके आपस में तो अच्छे हैं ना, तो इसलिए वो ज़्यादा पीछे यही है कि भाई अमेरिका के पंजे खिल रहे हैं, मतलब जगह जगह पाकिस्तान में बांग्लादेश में इस तरह जगह जगह, अगर वो बात कहेगा वो ज्यादा मानी जाएगी बनिस्बत हमारे, इंडिया डिपेंडेंसी बांग्लादेश की अमेरिका के ऊपर। नहीं होना चाहिए, वो तो एक जनरल बात है, वो तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये निजाम चलाया दुनिया ने तो ये चल रहा है यार, ताकत है ना, ताकत ताकत फिर बस ताकत, ये देख ले मुझ में ताकत है, तो मैं काम करता हूँ तुम्हारा, मैं नहीं करता, यही वजह है, यही भूख कटो फिर करो, यही ताकत काम करो, यही वजह है। तो मेन मसला यही है कि वो डायरेक्ट उन्होंने की है, ऐसा नहीं कि उन्होंने डायरेक्ट बांग्लादेश से की, उन्होंने उधर भी की थी, उन्होंने अमेरिका से भी की है क्योंकि उनको इस बात का पता है। असल बात यह कि अमेरिका इस बात को अपनी प्रेस में लिखने से इनकार कर रहा है, इस वजह से कि उनको पता, जैसे हमने कहा तो फिर लोगों को पता चल जाना, अच्छा हम डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो उन्होंने पीछे से हाथ डाले हैं, जो सरकारें हैं उनको पता है, लेकिन वो चाह रहे हैं जो असल मैस है ना, जो जो आबादी है उनको ये चीज़ ना पता चले, क्योंकि गेम तभी घूमती है, अगर उनको भी पता चलेगा गेम कैसे घुमाएंगे।
फिर उनके पास सवाल होंगे, फिर जहाँ वो स्मूथली चल सकते हैं लोगों ने उधर भी सवाल करने कि इधर आपने बात की, उधर आप ये कर रहे हैं, इधर आपने हर प्रेस रिलीज में उनके आगे सवाल आते रहने बार बार, इस तरह आम बंदा भी सवाल करेगा और जिस तरह आप वहाँ पे होता है सारा जो किसी ने सवाल जो आपका जब इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें भी, तो ये सब मामला है भैया, हमको आप समझ आए। लेकिन गलत है, हिंदुओं पे हो रहा है, जिस पे भी हो रहा है गलत है, अगर मुसलमानों पे भी हो तो भी गलत है, क्रिश्चियन पे भी हो, यहूदियों पे भी हो। लेकिन मेरे ख्याल से बांग्लादेश में हिंदू सेफ नहीं थे, मतलब अच्छा तल्लुक था उनका, अच्छा था, लेकिन यार इन्होंने गेम घुमा दी है सारी, बांग्लादेशी हाँ उन्होंने पीछे पड़ गए हिंदुओं के, उल्टा हिंदुओं के पीछे पड़ गए। हाँ असल मामला छोड़ के ना यार, मैं तो ये बताता हूँ, विकास उन दिनों में वीडियोस भी देख रहा था ना, असल मामला ये बांग्लादेश के दंगों का पता है तू, वो तो मुझे पता है वो किस वजह से हुआ, कोटा सिस्टम सारा जो भी है, तो असल मामला वो था। लेकिन वो मुसलमानों का तो ये पता है कैसी फितरत है, असल मामला छोड़ देना है बाकी दूसरे मामला को पकड़ लेना, तो वो छोड़ के ये लोग इनके पीछे पड़ गए, उनके घर चला रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम ये करो, उनको कह रहे हैं कि तुम या तो मर जाओ या हमारा मुल्क छोड़ के चले जाओ, जितना तुम्हारा है उतना उनका भी है। सही बात, तो मुसलमान फिर ऐसा करते हैं, ये असल मामला है। लेकिन गलत एहसान बोल गए होंगे, हाँ एहसान भी तो इंडिया ने किया ना, कितने ज्यादा एहसान किए हैं वो बोल के, आप पाकिस्तान में आप होते तो फिर आपको 2% का कहते तो फिर आपको बुरा लगना था। वो मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, वैसे थोड़ा दी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान से जो आप गए थे, जब इंडिया ने हेल्प की थी तो उस वजह से आप ना जो भी इनकलाब आया था जोश आपका था, लेकिन पीछे उनका था, तो ये चीजें याद रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। तू सिंपथी अपने साइड से की थी? नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। ये हम लोग का ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन लाजमी बताने कमेंट्स में, ओरिजिनल क्रिएटर को अगर आप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं इस वाले वीडियो में। फिर इतना ही, मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।